बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो जी अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तीसरी चीज भी साड़ी इहदे च ऐड हो गई आ और अच्छे तरीके नाल घिओ दे विच अब्बू जी मिक्स कर रहे हैं इहनू। चाह चेक करन दा तरीका अब्बू जी तुहानू दस दिया कि चेक किदां करी दी आ। लो बिल्कुल फाइनली फाइनली इंतजार दियां घड़ियां खत्म हो गईयां, असीं लगे हां जी बिल्कुल बनाण भांडा। इस टाइम तुसीं वेख सकदे हां अब्बू जी ने उपर पतीला वगैरह रख दिता वा, बाकी चाह साडी तैयार हो रही है। चाह तकरीबन 5 to 7 मिनट हो गई चीनी विच पाई नूं, पानी दे विच चीनी नॉर्मल जी हुंदी है। अब्बू जी किन्ने पानी दे विच किन्नी चीनी है? अपना 2.5 किलो चीनी, 1/2 किलो पानी। 1/2 किलो पानी दे विच 2.5 किलो चीनी पा के अब्बू जी ने उपर रखी है, जिहड़ी कि 5 मिनट हो चले आ। हुण असीं पाउण लगे इहदे जरदा रंग। जरदा रंग दा वैसे मसला कोई नहीं हुंदा, सिर्फ इहदा थोड़ा जिहा भांडे दा ना कलर अच्छा बण जांदा वा। बाकी जां तुहानूं उन्ने टाइम तक दिखा दिंदे आ किदां किदां साडियां सारियां चीज़ां देख सकदे आ जी। सब तों पहले जी अलसी, इहदे अंदर ही मेथे आ जिहड़ी कि 1 किलो अलसी आ। 1/2 किलो पहले सी, 1/2 किलो बाद चो लई सी। लो जी उस तों बाद मेवा, उस तों बाद गिरी नूं असीं कश कर लिया वा उहदे नाल, उस तों बाद 1 किलो बेसन और उस तों बाद मूंगी 1 किलो। यानी कि 1 किलो 1 किलो 1 किलो 3 किलो ते तकरीबन 2.5 किलो चीनी आ ते बाकी पाई आ दोवें चीज़ां वा। लो जी उस दे नाल नाल असीं इह विच डालटा घिओ दा वी नाल इस्तेमाल करांगे। इह 1 किलो मिजान दा डालटा घिओ जिहड़ा विच पावांगे ते बाकी उह देसी घिओ पिया होया। लो जी दूसरा पतीला बिल्कुल रेडी आ और चास तुसीं वेख सकदे आ कलर माशाला बड़ा जबरदस्त कलर बन गया। बाकी चास बिल्कुल थोड़े टाइम तक बन जानी है। बाकी असीं भुनाई शुरू करन लगे आ हुण चीज़ां दी आस्ता आस्ता। सब तों पहले पाउने आ जी इहदे च देसी घिओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ए है जी देसी घ्यो, जरा कि 1 किलो देसी घ्यो आ और 1 किलो असी इहदे च पावांगे मिजान। चास दा तरीकाकार इह हुंदा कि हल्की आंच दे उत्ते इहनूं पकाना वा, क्योंकि इत्थे इस टाइम दिन दा टाइम आ ना, लाइट इन्नी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वैसे अग जल्दी पई। लो जी अलहमदुलिल्लाह देसी घ्यो 1 kg दे करीब सीगा जिहड़ा कि असी इहदे अंदर पा लिया वा, गर्म हो रिहा वा। हुण असी पाउण लगे हां जी मिजान। ए थोड़ा जिहा ओहला तां करके कीता सीगा इधरों रह रुके ना, क्योंकि इधरों जांदी सी हवा, इधरों हवा सीधी आ के ना जाती है, तो उपर बैठ के थोड़ा ईजी ईजी अब्बू जी कहते उपर बना लें। तो असं इस करके ना उतों पैप ला के लियाए थे इतने, तो बैठ के बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी डालटा घ्यो पा रहे। वैसे तुम आयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आयल का ज़्यादा इस्तेमाल करिए तो फिर वो पिनियाँ जमदिया नहीं है, इस करके ना डालटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। डालटा नाल ना पिनियाँ सख्त हो जाए जम जा। लो जी चास तकरीबन 80% तैयार हो गई है। चास चेक करन दा तरीका अब्बू जी तुहानूं दस दिया कि चेक किदां करी दी है। इस तरतीब दे नाल ना दाणा चेक करी दा, जदों दाणा चिंबड़न लग पवे ना नाल, उहदा मतलब है कि चास तकरीबन तैयार हो गई है। किन्नी कु अब्बू जी हो गई? बस तकरीबन हो रही है। लो जी थोड़ी कसर है, तकरीबन 1-2 मिनट की चास रेड़ी है। उधरों साडा माल वगैरह असीं भुनण वास्ते घिओ उपर रख दिता, अड अग हैगी थोड़ी मठी मठी। चास नूं तुसीं वक्फे वक्फे दे नाल हिलाना वा, अगर नहीं हिलांदे ते चास नीचे जुड़न दा डर हुंदा वा। लो जना भाई मौसम माशाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा वा, ना धुप निकली आ तो ना ही बदल आ तो ना ही धुंद आ और ना ही इन्नी ज़्यादा सर्दी है। माशाला बड़ा जबरदस्त मौसम आ, उपर तुसीं चेक कर सकते हैं, बड़ा यानी कि सुकून वगैरह वा इत्थे, ते इत्थे बैठ के माशाला काम करन दा भी थोड़ा मज़ा आ रहा। उहदी वजह है कि चीज़ां सारियां ना उपर ना सानूं नज़र आ रही हैं, कि कि चीज़ कि टाइम करनी है। नीचे किचन दे विच ना थोड़ी मसला बन जाणा सी, क्योंकि किचन थोड़ा जिहा तंग आ और रोशनी दा वी उत्थे मसला सीगा, इस करके असीं उपर आ गए हैं, उपर बना रहे हैं। चीज़ां दी भुनाई दे विच इक अहम काम हुंदा वा कि जिहड़ी सब तों ज़्यादा लेट चीज़ भुजदी आ उह सब तों पहले पाउणी आ, उस तों बाद दूसरी तीसरी, उस तरतीब दे नाल अब्बू जी तुहानूं नाल नाल दस्सणगे कि सब तों पहले किहड़ी चीज़ पाउणी आ जिहड़ी कि लेट भुन्नी जांदी है, यानी कि अलसी लेट भुन्नी जांदी है, जां बेसण जां कि अपना मूंगी। इन्हां तिन्नां दे विच्चों इक चीज़ चैक करांगे कि किहड़ी चीज़ लेट भुजदी आ, उह सब तों पहले अब्बू जी पाउणगे। उस तरतीब दे नाल इहनां दी भुनाई दा तरीकाकार तुहानूं दे विच दिखावांगे कि भुन्नदी किहड़ी किहड़ी तरतीब दे नाल। सब तों पहले किहड़ी चीज़ अब्बू जी फड़नी? सब तों पहले जी बेसण इहदे विच अब्बू जी पाउण लगे आ। लो जी क्योंकि बेसन का कच्चा कच्चा स्वाद आता हों, इस करके अब्बू जी सब तो पहले पाने लगे हैं बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो विवर बेसन की भुनाई शुरू हो गई है।
इन आसा आसा नाल नाल हिलाना होंदा वा क्योंकि गिल्टियां बजन का डर होंदा वा। लो माशाल्लाह बेसन और देसी घ्यो दा हल्के हल्के यानी कि ना सानू खुशबू आनी शुरू हो गई है और चमचे का ज्यादा इस्तेमाल करना वो यह होगा कि गिल्टियां नहीं बजिया रहनगियां अंदरों खुश्क नहीं रहेगा बेसन। लो जी दूसरे नंबर ते अलसी, पहले नंबर ते बेसन, तकरीबन एक मिनट तो बाद असी पा रहे हैं जी ये अलसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी माशाल्लाह दूसरी चीज़ ऐड हो गई है और इनू आस्ता आस्ता हिलाना शुरू कर देना नाल नाल ही। माशाल्लाह जबरदस्त खुशबू आ रही है जी, मैं चेक कर रहा भांडे की खुशबू इस टाइम बिल्कुल आनी शुरू हो गई है। उसकी वजह एक दो चीज़ा देसी घ्यो के अंदर भुजदियां पईयां वा, खुशबू तकरीबन सारे ही फैल गई है और पता चल रहा है कि भांडा बनता पे। लो जी तीसरे नंबर के उपर असं पा लगे हैं लास्ट के उपर कि चीज़ है जी, वह हैगी जी मूंगी। तकरीबन एक मिनट की भुनाई तो बाद असं पा रहे हैं जी मूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी इस तरतीब ने खिलार के पाओगे तो वह यह होगा तो गिल्टियां बजन का घट डर हों, वैसे आसा आसा छोटी छोटी गिल्टियां बजन दियाँ। लो जी अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तीसरी चीज़ भी साड़ी ये ऐड हो गई है और अच्छे तरीके घ्यो दे अबू जी मिक्स कर रहे हैं इनू। विवाह का तरीकाकार उ तकरीबन एक एक मिनट के वक्फे अबू जी ने तिने चीज़ा जी तरतीब पाई वा, तुम भी उस तरतीब पाओगे तो तकरीबन सड़न का डर नहीं होंगे। अगर तुम सारे चीज़ा कट्ठिया सेड़ दोगे कुछ चीज़ा कच्चिया रह जाएगियां कुछ चीज़ा जल्दी पक जाएगी। इस तरतीब बिल्कुल पाओगे तो एक तो आसा आसा घ्यो जजब होएगा उन्होंने और दूसरे नंबर के उपर उन्हों की पकई के फर्क नहीं पेगा, पकई बिल्कुल ओके होएगी और चास में एंड असं ऐड करा और गिरियां और जड़िया साढ़े को दूसरिया मेवे पे हुए वह भी अबू जी मंगण फिर तुम दसागे किन्ने टाइम बाद। बाकी ये एक चीज़ तुम दस देना घ्यो फुल तो फुल गर्म पहले कर लेना वा यानी कि जिन्ना गर्म हो सकता उस तो बाद एक एक मिनट के वक्फे चीज़ों की भुनाई करनी है, अदरवाइज ठंडे घ्यो नहीं, ठंडे घ्यो बिल्कुल चीज़ा नहीं पुजनियाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके फुल गर्म कर लेना वा। उस तो बाद तकरीबन एक एक मिनट के वक्फे असं ये चीज़ा पाइया तुम वेख सकते हैं और तरीकाकार यह होंगे वा कि जिदा ही तुम हिलाने नाल नहीं चिमड़ेगा पतीले के। लो जी तकरीबन पाँच मिनट के भांडा बिल्कुल रेडी हो चला, उस तो बाद बनावे पिनियाँ अबू जी बना रहे हैं तो हूँ असं सिर्फ चास वे कन्वर्ट करनी है और गिरियाँ और मेवे जोड़े वो ऐड करने। लो जी चास बिल्कुल साड़ी रेडी हो चुकी है, इस करके अबू जी ने अग यदी नीचे बंद कर दी है और जल्दी तो जल्दी ये पाँना वा क्योंकि ज़्यादा अगर जम गई तो फिर ये कामयाब नहीं होगी। दोस्तों यदि भुनाई का तरीकाकार दो तीन किस्म के नाल हुंदा, एक तो तरीकाकार यह हुंदा कि यदि खुशबू तो उपरों पता चल जाता, दूसरा यह कि बिल्कुल घ्यो नूं छोड़ दिंदी आ, घ्यो बिल्कुल छड्ड दिंदी आ, लहदा लहदा हो जाता घ्यो और बाकी चीज़ा तो उस तो भी पता चल जाता कि चीज़ा जिहड़ियां भुज गईआं। और चास का तरीकाकार तुहानूं थोड़ा दस दिंदे हां कि चास का दाणा बनना शुरू हो जाता वा, ऐ तुसीं चैक कर सकदे हां जिद्दां इहनूं छड्डांगे ना, ऐ वेखो ठीक हो गया जी, ऐ वेखो ए दाणा बन बन के जो नीचे जाए ना शहद वांगू उसका मतलब यह होंगे कि तुहाडी चास बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लो जी लास्ट के उपर असी करन लगे ऐड ए गिरियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरियां थोड़ा खिलार के इस तरतीब सेड़ देना वा, असी थोड़ी बरीक विच कर लिया सी और ज़्यादा असी कछ ही कीतियां वा जिदा बिल्ली कछ दे नाल ही। बाकी उस तो बाद असी कर दिंदे आ जी मेवे ऐड इहदे विच। माशाल्लाह जी साड़ियां चीज़ा तकरीबन सारियां फाइनली हो चुकियां वा, हुण सिर्फ रह गई साड़ी चास जिहड़ी कि असी ऐड इहदे विच करनी है। इन्हां नूं भी थोड़ा अच्छे तरीके नाल हिलाओगे तो थोड़ा नरम हो जाणगे, नरम होने तो बाद तुसीं चास नूं इहदे विच ऐड करना, पहले नहीं करना। उहदी वजह है कि चास थोड़ी जी हुंदी हार्ड और इन्हां नूं इसे तरतीब दे नाल ही सख्त सख्ती रहिण देगी मेवे नूं और गिरी नूं, इस करके थोड़ा इहदा वक्फा पाउणा वा, थोड़ी जी यानी कि इन्हां दे विच भुनाई करनी है इस तरतीब नूं।
तकरीबन एक एक मिनट के वक्फे दे विच असीं चीज़ां पाईआं सी और तकरीबन 5 to 6 मिनट असीं इहनूं अच्छे तरीके नाल भुन्निआ वा क्योंकि अज़ाना होण लग पईआं सी मैं वीडियो स्टॉप कर दित्ती सी। उस तों बाद असीं इहदे विच मेवे और गिरियां ऐड कर दित्तीआं। लो जी हुण असीं इहदे विच ऐड करन लगे हां जी चास। चास नूं जिद्दां ही ऐड करांगे इहनूं अच्छे तरीके नाल हिला लवांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो जी फाइनली फाइनली साडी चास जिहड़ी आ इहदे विच मिक्स हो चुकी है। लो जी चास पाउण तों पहले असीं चुल्हे नूं कर दित्ता सी बंद और चास उस तों बाद पा के असीं इहनूं अच्छे तरीके नाल हिला रहे हां। तकरीबन 3 to 4 मिनट इहनूं हिलाउण तों बाद इहनूं आस्ता आस्ता ठंडा होण देणा जी। माशाल्लाह तुसीं चैक कर सकदे हां जी, माशाल्लाह साडा भांडा तैयार हो चुकिआ वा और पिंडियां बणनियां हले बाकी है। माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो जी थोड़ा चैक करन वास्ते बूझ पा रहे प्लेट च भांडा माशाल्लाह साडा अलहमदुल्ला तैयार हो चुकिआ वा और इन्हू थोड़ा ठंडा करते हैं और चेक करते हैं इनका जायका वगैरह कि बाकी इन हिलाने का तरीकाकार जरा वा ऐसे तरतीब जिदा बूझी हिला रहे हैं। आस्ता आस्ता इन तकरीबन ठंडे होने तक इनू आस्ता आस्ता हिलाई जाना वा 10 to 15 मिनट तक अच्छे तरीके जरा घ्यो ये जज्ब हो जाए और आस्ता आस्ता सारा टोटली ठंडा हो जाए। अगर तुम छड़ दें तो घ्यो बिल्कुल उपर आ जाएगा और उपर आ गए बिल्कुल उत्ते एक तह बन जाएगी घ्यो की जी कि मुनासिब नहीं होंगी। आस्ता आस्ता तू हिला के ठंडा करने के अच्छा रहेगा कि मिक्स हो के घ्यो ये अंदर ही रहे। लो जी अलहमदुल्ला साडा भांडा तैयार हो गया। बाकी टापर विछाया हूँ, टापर के उपर सिवियां बना के रख लिया खुश्क कर लिया वा हुण बनाने पिनियां क्योंकि हाथ मेरे वैसे साफ ही सी दुबारा फिर भी मैं धो ले क्योंकि हुण पिनियां बना लगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरतीब दे नाल इहनूं चुक के लो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहली पिनी साड़ी तैयार हो गई है। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला जी साड़ियाँ पिनियाँ तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह तकरीबन 87 के करीब पिनियाँ वा तो पतीला इस टाइम हाथ साफ करके हटिया वा। आ देखो जी कपड़े के नाल ही हाथ साफ किए हैं। माशाल्लाह 87 पिनियाँ बनाते तकरीबन 40 मिनट लग गए। आस्ता आस्ता बनाइया सी माशाल्लाह तकरीबन नॉर्मल साइज के बनाइया बहुत ज़्यादा बड़िया भी नहीं और छोटिया भी नहीं। लो जी अलहमदुल्ला पिनियाँ हो गई तैयार माड़ी माड़ी खुश्क भी हो गई सी तो मैं इन्हों पा रहा हूँ पतीले। लो जी अलहमदुल्ला साड़ियाँ पिनियाँ रेडी हो चुकी वा और पतीले के अंदर आ गई हैं। तो बन्नांगे कपड़ा और नीचे रख लवेंगे ये अच्छी तरह ये खुश्क भी हो जाएगियाँ। लो जनाब तुम दस्यो तुम्हें अज का साड़ी रैसपी कि लगी। अगर तुम अच्छी लगी है तो तुम कमेंट बॉक्स अंदर लाजमी दस्यो। बस इस तरह की रैसपी मजीद भी तैयार कराया करा अबू जी ने तैयार की थी कोई नीचे चले गए नमाज पढ़ा तो इस करके मैं खुद ही पिनियाँ मसा हाथ के नाल बनाता वा। बाकी तुम लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर दस्यो तुम्हें कि लगियाँ। लो जी मीजिए तुम अभी वीडियो पसंद आई है। अगर मजीद इस तरह वीडियो देखना चाहते मेरे चैनल सबसक्राइब कर दो वीडियो लाइक कर दो। तो एक चीज होर तुम शेयर करनी सी मियाँ पंजाबी ब्लॉग के नाँ तो फेसबुक के उपर मैं पेज बनाता वा उन्होंने जाके जल्दी जल्दी मुहब्बत का इजहार करो उन्होंने फॉलो करो और मैं लाजमी दस्यो जिन्हें फॉलो किया मैंने यूट्यूब के नीचे आकर मैसेज भी वीडियो का करे मैं पता चल जाएगा कि मेरे दोस्त ने उन्होंने फॉलो किया। बहुत सारा ख्याल रखना कल के ब्लॉग तक इजाजत दो लाजमी।